करनाल में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेले का आयोजन किया गया। वरिष्ठ आईपीएस शत्रुजीत कपूर ने मेले का उद्घाटन किया, जिसमें 809 लाभार्थियों ने योजनाओं का लाभ उठाया। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उनकी आय बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में जिले का पहला मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेला कुंजपुरा के खंड कार्यालय में आयोजित किया गया। आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि योजनाओं की जानकारी देने के लिए हेल्प डेस्क समेत कई विभागों ने काउंटर लगाए हैं। मुख्यमंत्री की मंशा अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाना है। सरकार ने जो ये उत्थान मेला लगा हुआ है तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें लोन दिया जा रहा है कम परसेंट पे, 6% पे दिया जा रहा है। जैसे डेयरी का लोन है, कुछ छूट भी है उसमें, जिससे गरीबों को बहुत फायदा है। और सरकार ने ऐसा मेला लगाना चाहिए जिससे गरीबों को थोड़ा बहुत फायदा मिल सके। मतलब मैं जैसे यहाँ पे आया ना, मेरे को किसी ने बताया भी आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करो, आपको लोन मिल सकता है अपने इसके लिए। तो मैं मतलब जिस चीज़ के लिए मेरे को लोन चाहिए था और जिन पर्सन से मैंने मिलना था ना, उन्होंने मेरे को ये बोला कि भाई आप प्रोग्राम मतलब जहाँ से आपका है ना रजिस्ट्रेशन वो लेके आओ आप, तो वो कह रहे भाई आप वहाँ से चेक कराओ आपका नाम है या नहीं है। मैं ये कह रहा था कि भाई अगर ये स्कीम है तो सबके लिए है या नहीं है, या कुछ चुने हुए बंदों के लिए है। सर यहाँ ना आज DGP साहब आए हुए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, वो विजिलेंस अधिकारी हैं, वो देखने आए हैं कि BDO ऑफिस में किस तरह की सुविधाएं प्राप्त होती है गांव के लोगों को। ये यहाँ पे ना मेला लगा हुआ है, इसमें जो भी गांव के मतलब कोई भी है, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष है, कोई भी मेरा नौजवान साथी है, भाई है। तो आज मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का ये पहला दिन है और इसमें मेला लगाया गया है कुंजपुरा ब्लॉक के लिए, और उसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर, ADC साहब और दूसरे सीनियर अधिकारी सभी यहां पर मौजूद हैं। और ये 18 विभाग हैं जिन्होंने करीब 400 परिवार ऐसे हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, उनके लिए आज उन सबको ये बताया जाएगा कि क्या क्या